और रिवर्स मैंने सोचा जो बच्ची खुटी बातें हैं ना वो कमरे के पीछे आके बच्ची खुटी बातें वो कमरे के पीछे जाके। और व्यूअर्स काफी हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप लोग किचन नहीं बनवा रहे। नहीं, हम किचन नहीं बनवा रहे, किचन की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। किचन का नो और व्यूअर्स काफ़ी हमारे बहन भाई हैं जो पूछ रहे थे कि आपकी जो बाथरूम है ना वो काफ़ी दूर है कमरे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। बेगम साहिबा से मुलाकात करवाता हूँ। कहाँ गई बेगम साहिबा, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? ओए अई हमजा, सलाम करो मेरा बेटा, इधर इधर ठीक से सलाम करो। अच्छा जी, सामने बेगम साहिबा खड़ी है। हेलो, आप अपने काम में लगी हुई हैं? मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट किया, टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने कहा व्लॉग भी जल्दी जल्दी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। और व्यूअर्स, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो जो हमारे चैनल पर न्यू आते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें। और व्यूअर्स, आज ना हम खाने पकाने का कोई व्लॉग नहीं बना सके क्योंकि आज ना काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मिस्त्री भाई जो है ना ऊपर चले गए थे, ऊपर छत मतलब के हाँ ऊपर दीवार के छत आ जाएगी कमरे के ऊपर, तो ऊपर वाला काम था, तो यहाँ पे ना काफ़ी मतलब के भीड़ा था काम का। भीड़ा था काम का। और हाँ जी व्यूअर्स, मिस्त्री भाई ने कहा कि आप व्लॉग को छोड़ें, आप पहले काम करवा लें, तो हमने सोचा ये बात भी ठीक है कि वो काम लाजमी है, पहले वो कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह टाइम मिला तो व्लॉग बना लेंगे, ना मिला तो कोई बात नहीं अगले दिन बना लेंगे। लेकिन टाइम हमें माशाल्लाह मिल गया है, हम व्लॉग भी बना रहे हैं और मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे थे इस टाइम का। और मुझे ये भी पता है जितने भी मेरे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बहन भाई खुश हैं। अच्छा जी, आप लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब भी कमरे की मतलब छत मुकम्मल होने वाली है। ये देखिए जी प्यारे बहन भाई, सुबह से लगे हैं, तो अभी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है कि मैं जल्दी जल्दी ना व्लॉग बना लूं, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे काफ़ी बहन भाई हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज देखें काम कहाँ तक पहुँचा है, आज देखें काम कहाँ तक पहुँचा है। तो माशाल्लाह ये देखें, ये आखिरी रद्दा उस्ताद लगा रहे हैं, ये देखें सामने देख सकते हैं, तो सुबह से लगे हैं तो मौका ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो अब मैंने सोचा चलें थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूं और अपने बहन भाइयों के साथ शेयर लाजमी करना चाहिए। प्यारे बहन भाई, मैंने सोचा काम भी करते रहते हैं और अपने बहन भाइयों के साथ भी गपशप करते रहते हैं। माशाल्लाह जी, आखिरी रद्दा बचा हुआ था वो भी उस्ताद ने लगा दिया है। मेरे प्यारे बहन भाई, मैं बताता चलूं, ये 11 फुट इसकी ऊंचाई है, 11 फुट ऊपर जा चुका है। अच्छा जी, एक रद्दा ईंटों का ऊपर आना है, मतलब छत डलेगी टीआर गर्डर के ऊपर ना, एक रद्दा और आएगा। ये पीछे वाली दीवार है और ये दूसरी साइड, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कमरा। और ये आ गया जी फ्रंट, माशाल्लाह। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आपकी दुआओं के साथ कल इंशाल्लाह छत डलेगी, उस्ताद ने कह दिया है। अच्छा जी, ये देखें ये गार्डर जो है ना, मैंने रंग तो किए थे लेकिन ये अब फिर से ख़राब हो गए हैं, इसे दोबारा रंग करना पड़ेगा। ये देखें, क्योंकि इनके ऊपर गो वगैरह बनाई है ना, तो इसलिए, और टीआर जो है ना इनको भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में रंग करना पड़ेगा। ये ऐसे है ठीक है भाई? नहीं, रंग करना पड़ेगा। अच्छा जी, रंग करना पड़ेगा, चलें जी ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ से सारी ईंटें ख़त्म हो चुकी हैं, ईंटें सारी कमरे पे लग चुकी हैं और ये थोड़ी सी ईंटें बची हुई हैं, ये देखें। बस आप दुआ करें हमारी ईंटें पूरी हो जाएं, लेकिन मेरा थोड़ा दिल में ना डाउट है कि ईंटें जो है ना कम पड़ेंगी। खैर, अल्लाह वारिस है, अल्लाह पाक खैर करेगा।
और व्यूवर्स, हमारी रेत भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब रेत का भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना है। ये देखें जी, ये बेगम साहिबा की बर्तनों वाली जगह भी जा रही है अब। वाह वाह, हमें मोड़ा ही था, इन पत्रे थे ना। हाँ मैं पत्रे था, पियो तो बच से था झालू दो। हाँ था पत्ती नहीं था खताला चलिया। हाँ झालू हल्ला की था, मैं रे औरते थी थोड़ा लिया तू, इधर औरते थी के मोड़ा रे से और जगह आ गई। हाँ चाय चाय छोड़ चाय कुछ इमर ऐसी ही पहले होगा। चुप की क्या, चुप जोल के जोल के जोल के, मैं तेरे पीछू आ आराम से टिका दे साजी जैसी। थोड़ा थोड़ा परते जोल पिया, थोड़ा जे परते मैं पीछे हाथ रखी खड़ा हूं, बल्कि थई खा देखो साजी। हां छोड़ निकल, मैं भी दीवाल हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारा काम भी कंप्लीट होता जा रहा है और हमारा जो मटेरियल है ना ये भी ख़त्म हो चुका है। सीमेंट भी और बजरी भी और लेनी पड़ेगी। ये देखें ईंटें तो यही बच गई हैं। अच्छा जी, बेगम साहिबा किधर गई है व्यूअर्स? जहाँ पे हमारा वॉशरूम बाथरूम बन रहा है और नलका भी पास है बिल्कुल, वहाँ पे मिस्त्री भाई काम कर रहे हैं और बेगम साहिबा इधर आ गई कपड़े धोने के लिए। ये देखें जी, काफ़ी दिनों के बाद इस नलके पे बेगम साहिबा काम करने आई हुई है। जब हम शुरू में आए थे इधर तो हमारा नलका नहीं लगा हुआ था, तो तब बेगम साहिबा इधर मतलब बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धोने के लिए आती थी, क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल, और आज मैंने सोचा कि आज ना इसी नलके से काम चला लेती हूँ, क्योंकि उधर मिस्त्री भाई लगे हुए हैं तो उधर ना मैं कपड़े भी नहीं धो सकती थी, क्योंकि नलका जो है ना बिल्कुल दीवार के साथ अटैच है। हाँ जी, अच्छा बस आज ना अपनी किस्मत चेक करते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं जेबू में कुछ है कि नहीं। ये तो खाली है। अच्छा इससे ना कुछ होगा, क्या पता मैं 10 रुपए भूल गया हूँ। बड़े कंजूस हो, इसकी जेब में ना कभी भी जेब में अपनी खाली। हाँ जी, मैं अपनी जेब नहीं खाली छोड़ता। हाँ जी, इसने ना कभी भी भूल के भी इसने कभी 10 रुपए नहीं रखे जेब में। सही है ना यार, जब टाइम आएगा ना पैसे रखने का जेब में तो इंशाल्लाह रखेंगे, परेशान ना हो। दुआ मांगूंगी अल्लाह कभी ना इसकी जेब में ना पैसे हो। इंशाल्लाह तो ये भूलेगा ना पैसे अपनी जेब में नहीं। जब मेरे पास पैसे आए ना, वो पैसे किसके होंगे? वो पैसे आपके होंगे, समझ आई? वो तो मेरे होंगे, लेकिन जो जेब से मिलते हैं ना उनका अलग मजा होता है। अच्छा जी, और व्यूअर्स आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और इसी खुशी की वजह से ना मैं ना थोड़ा घर से दूर कपड़े धोने आई हुई हूँ। अच्छा। खुशी कौन सी है, क्योंकि हमारा जो कमरा है ना वो छत पे आ गया, इंशाल्लाह कल कमरे की छत मिस्त्री भाई ढालेंगे और रात को फिर ना हम कमरे में सोएंगे, है ना?
इंशाल्लाह। ये आप नीचे क्यों धो रही हो? आप उधर धोना था कपड़े, इधर आपके वो वाइट कपड़े पड़े हुए हैं उनमें मैंने ब्लीचिंग डाल के रखा हुआ है। अच्छा, तो ये रंगदार है इसलिए मैंने कहा इनको नीचे धो लेती हूं। सही है जी, नपीड़ के रख दे और नपीड़ निचोड़ के रख दे। हाँ, हम मुझसे नहीं निचोड़ जाते बस, मेरा ना यहाँ यहाँ पे घुटनों में हाँ दर्द होता है हर वक्त मुझसे ना, मतलब कि अच्छे तरीके से काम नहीं होता, ये जो कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो कमजोरी है यार, कमजोरी है, नहीं होता जल्दी जल्दी काम। हाँ जी, मुझे पता है, बस क्या करें, मजबूरी है कि बस ये घर बन जाए फिर ना अल्लाह खैर करे। अच्छा मेरी बात सुने, इस शलवार की भी जेब है अपनी, फिर से अपनी किस्मत आजमाइश कर लें। नहीं, मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि जेबें आपकी खाली होती है, देख रहे हैं जानता है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। बिस्मिल्लाह कुछ ना कुछ तो है, आज पैसे भूल गए हो है। कंजूस की जेब में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। और व्यूअर्स, एक ना भाई था या बहन थी, उन्होंने कमेंट किया था आप ना सुहांजना लगाए अपने घर, तो ये खड़ा सुहांजने का दरख्त बहुत बड़ा है, ये देखें जी यहाँ पे दो है, एक वो खड़ा है किधर, एक वो है। हाँ जी, वो छोटा है। हाँ जी व्यूअर्स, इनके ऊपर ना फल लगा हुआ है और इंशाल्लाह जब हमारा घर मुकम्मल हो जाएगा तो हम यहाँ से ना ये जो बाबा है जमीन वाला उससे पूछेंगे और पूछ के ना यहाँ से कलम लेके जाएंगे और फिर उधर लगाएंगे और हमारा जो है ना सुहांजना फिर बड़ा दरख्त हो जाएगा एक छांव की छांव, और वहां से हमें ना सब्जी भी हासिल होगी। हाँ जी, वो तो आप सब जानते ही हैं ना सुहांजना कितना मजेदार बनता है। हाँ जी, आलू में बनाओ, गोश्त में बनाओ, जैसे भी बनाओ। अच्छा, इस सुहांजने के ऊपर ना छोटी शायद बैठी है, शायद कहाँ, इधर बैठी है। व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो ना मैं पता क्या कह रही थी अभी आपको, मैंने कहा ये ना कबों का घोंसला, क्योंकि मैं मेरे से ना वो दूर है ना। नहीं नहीं, कबों का घोंसला नहीं है, उधर शायद बैठी है। हाँ जी, और व्यूअर्स एक मेरी दिली ख्वाहिश है, एक अदरक होता है उसके ऊपर भी ये खाने वाली सब्जी लगती है। कौन से? मैं आपको बताती हूँ, हम तो उसे कहते हैं अपने सरायकी में कचनाल। अच्छा, अच्छा। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं उसके ऊपर ना, वाइट वाइट से सफेद कलर के ना बड़े बड़े फूल होते हैं, आपने देखी है? हाँ देखी है, कचनाल देखी है मैंने। तो उधर ना मेरी अम्मी के घर उधर होती थी तो हम ना बनाते थे तोड़ के, तो इंशाल्लाह वो भी मैं नवीद से कहूंगी ये ढूंढ के आएगा, वो पौधा भी हम लगाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसकी भी सब्जी खाएंगे, बड़ी मजे की होती है। हाँ जी, और व्यूअर्स मैं दिखाऊं, इधर बैठी है शायद, ये देखें जी वो सामने, ये देखें जी छोटी शायद है। और व्यूअर्स अपना मिस्त्री भाई को भी पता चल चुका है कि व्लॉग वाला जो इसका काम है शायद कोई लाजमी काम है, तो अब ना थोड़ा थोड़ा चुप हो जाता है जब व्लॉग बनाने लग जाता हूं मैं। ये देखें जी बेगम साहिबा आ गई, खत्म हो गई है, ये कल सोखेंगे, चलें कोई बात नहीं है। आज वैसे ना हम सुबह सुबह टाइम व्लॉग नहीं बना सके क्योंकि नवीद अली ना सुबह सुबह उठते ही काम में शुरू हो गए, मिसाल बनाना, ये वो करना, इंटे इकट्ठी करना, तो सुबह टाइम इतनी धुंध थी और अचानक ना दिल परेशान हो गया कि अचानक से ये धुंध साहिबा कहाँ से आ टूटी है। हाँ जी, तो शुक्र है फिर ना 3-4 घंटे बाद धूप निकल आई थी, सही बात है, दिल ऐसे खुश हो गया कि शुक्र है धूप निकल आई है, तो धूप जब निकल आए ना फिर अच्छे से काम होता है। हाँ जी, जब धूप ना हो ना फिर दिल भी नहीं करता काम करने को। व्यूअर्स बेगम साहिबा के पीछे देखें, कमरा कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, ये देखें जी अब मैं कमरे के ऊपर आ गया हूँ, ये देखें ये सीढ़ी खड़ी की इसकी मदद से, ये देखें जी सफ़ील नज़र आ रही है, अलमारी वाली जगह नज़र आ रही है, और एक मसला बना हुआ है थोड़ा सा वो भी दिखाता हूँ, ये देखें अंदर से दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, और हमें ना अब सीढ़ी को जो है ना इधर अंदर खड़ा करना पड़ेगा, फिर हमें उतर के अंदर वाली साइड दरवाज़े की खोलनी पड़ेगी, फिर खुलेगा, तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर छत भी आ जाएगी। और अभी मिस्त्री भाई उधर सामने देखें वॉशरूम,
पे लगे हुए हैं और बेगम साहिबा फिर और कपड़े धोने चलेगी नलके पे। 11 फुट ऊंची दीवार आ चुकी है, अब जो है ना टीआर गाड़ रहे हैं, टाइलें वगैरह सब कुछ आके ना, और इसके ऊपर एक एक रद्दा और आएगा। माशाल्लाह हम घर तो बना रहे हैं लेकिन जो महंगाई हो चुकी है ना, बस आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। गरीब बंदा जो है ना आज के दौर में घर बहुत ही मुश्किल से बना पाता है, यकीन माने इतनी महंगाई हो चुकी है ना, बस बाज़ार जाने का दिल ही नहीं करता, किसी दुकान पे जाने का दिल ही नहीं करता। सीमेंट वाले के पास जाओ तो वो जो रेट सुनाता है बंदा पागल होने लग जाता है। ईंटों वाले के पास जाओ, विंडो दरवाजे वाले के पास जाओ, वॉशरूम बाथरूम सामान के जो जिस सामान के पीछे जाओ ना, इतनी महंगाई है बहुत ज़्यादा। हमने माशाल्लाह घर तो बना लिया है, ऐसे समझो कि बना ही लिया है, शुरू हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी तैयार हो ही जाएगा। जिस काम को बंदा लग जाए एक ना एक दिन वो काम हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कर्जा भी हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, हमारा घर बन जाए तो फिर इंशाल्लाह एक ना एक दिन ना वो कर्जा भी हम उतार लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक खैर करे। बस मेन काम जो है ना हमारा, बस हमारा घर वाला है, बस हमारा घर बन रहा है ना, इस खुशी से हमें और क्या खुशी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, चाहे महंगाई है कुछ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना घर बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम, और अपने बहन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार मोहब्बत देते हैं। और व्यूअर्स मुझे ये भी पता है कि आजकल जो मेरे व्लॉग आ रहे हैं ना, बस नॉर्मल ही हैं, कुछ मतलब वो नहीं है, जानदार व्लॉग जैसे होते हैं मज़ेदार। तो जो बंदा ना तसल्ली से बनाए, हर चीज़ से तसल्ली हो, घर वगैरह सब कुछ आना टिकाना पक्का हो बंदे का, कोई टेंशन ना हो, तो फिर ना व्लॉग भी मज़े के बनते हैं, फिर हर काम जो है ना मज़े से होता है। तो इंशाल्लाह हमें जो टेंशन है हमारे घर वाली है, जब ये घर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने बहन भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतना प्यार मोहब्बत देते हैं, जो हमें लाइक शेयर करते हैं, तो उनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं। इधर चलते हैं, बेगम साहिबा इधर ही जा रही थी, देखते हैं क्या करी। ये देखें जी, क्या मुआयने कर रही हो? मैं ना देख रही हूँ। हाँ नहीं, इसलिए केड़ा तो नहीं है। अच्छा जी, आपको भी पता चलता है? हाँ, और रिवर्स मैंने सोचा जो बच्ची खुटी बातें हैं ना वो कमरे के पीछे आके बच्ची खुटी बातें वो कमरे के पीछे जा गए। शर्म आता है इतना ज्यादा, मतलब कि खुल के बात बंदा नहीं कर सकता, तो विवाह से माशाल्लाह से बहुत बड़ा मेरा कमरा बन गया, मेरी सोच से भी बाहर, और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन बंदे को ना ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इस साइड से ना कितना खूबसूरत लग रहा है, इस साइड से ना हम छोटी छोटी दीवार बनवाएंगे यहाँ यहाँ तक, है ना? हाँ जी, क्योंकि हमने ना इधर चारों तरफ कैमरा मारना होता है, फिर ये जो सब्जी की लुक है ना, अगर हमने बड़ी दीवार बनवाई तो फिर वो ना नहीं नजर आएगी, फिर वीडियो बनाने का मजा भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो इधर ना हमारे गाँव में किसी की भी चार दीवारी नहीं है। सही बात है। हाँ जी, तो हम बनवाएंगे इंशाल्लाह, फिलहाल तो छोटी बनवाएंगे, फिर जब पैसे आएंगे तो फिर बड़ी बनवाएंगे। सही बात है। तो मेन गेट भी फिर लगवाएंगे, अभी तो नहीं, अभी तो हम यही दुआ मांग रहे हैं कि बस हमारा कमरा ना तैयार हो जाए। और व्यूअर्स काफ़ी लोग ना यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप ना प्लस्तर ना करवाओ सर्दियों में, तो क्योंकि अब तो अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो मैं सोच रही थी अंदर से ना हम प्लस्तर करवाएंगे और बाहर से ना वो जो टीप कहते हैं टीप करवा लेंगे, है ना? हम ना थोड़ा सा कंफ्यूज है आज ना, मैं खुल के बात करती हूँ। इधर साइड पे हैं, ये जो लैट्रीन है उसे वॉशरूम कहते हैं या बाथरूम कहते हैं? आप सबने ना कमेंट में लाजमन बताना है, ठीक है ना? इसे समझने में ना हमें बड़ी परेशानी होती है। और कमरा तैयार होने के बाद जो फाइनल लुक होगी ना फिर आपके साथ शेयर करेंगे, वो तो हम रोज़ ही करते हैं। हाँ जी, कमरा तैयार होने के बाद ना फिर हम Q&A वीडियो बनाएंगे, उसमें ना फिर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और उसके बाद व्यूअर्स हमने ना काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, आपके सामने वहाँ जहाँ वो कच्चा कमरा था उधर हम रहते थे, आधा टूटा हुआ था,
तो उसमें भी हमने दिन गुजारे हैं, लोग हम पे बातें करते थे और हमारे जो पब्लिक है ना वहाँ से भी काफ़ी लोग ना टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा बातें करते थे और कमेंट में भी करते थे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये है वो है। तो काफ़ी लोगों की बातें ना हमने सही हैं सुनी हैं और आज देखिए ना अल्लाह ताला ने ना हमें ये मंजिल भी दिखा दी है देखें, और हम ना हमने ना हिम्मत नहीं हारी। हाँ जी सही बात है, हिम्मत नहीं हारी, हम काम करते रहे हैं यूट्यूब पे, डट के खड़े रहे हैं एक साथ दोनों। तो आज माशाल्लाह हमारा जो है ना घर बन रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आज मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा और मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सही बात है। और अब ना सूरज भी गुरूब होने वाला है और आज के व्लॉग का ना ही यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैंने रात वाला खाना। और व्यूअर्स काफ़ी हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप लोग किचन नहीं बनवा रहे। नहीं, हम किचन नहीं बनवा रहे, किचन की हमारे पास गुंजाइश नहीं है किचन का ना, फिर वो ऐसे मतलब कि गुजारा कर लेंगे वो जो काने होते हैं वो लेके, जैसे भी मतलब कि वो किचन का गुजारा हो जाएगा। और एक भाई कह रहे थे कि आपने ना वो जो नलका है ना आप बाथरूम के अंदर ही मतलब वो आगे कर लेते दीवार तो अंदर आ जाता। नहीं भाई, वो हमने अंदर नहीं लगाना, वो ना हमने यहाँ से ना बाथरूम से ना हमने दूर करना नलका, क्योंकि वहाँ पे साथ गटर होगा तो उससे ना फिर नलके का पानी खराब हो जाता। हाँ जी। और व्यूअर्स काफ़ी हमारे बहन भाई हैं जो पूछ रहे थे कि आपकी जो बाथरूम है ना वो काफ़ी दूर है कमरे से, तो व्यूअर्स यहाँ पे ना लोगों की जो बाथरूम होती हैं वो काफ़ी दूर होती हैं उनके घर से, यहाँ पे ना इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता कि घर के नज़दीक मतलब के बाथरूम हो, तो यहाँ पे ना सबकी दूर है, तो इसलिए ना हमने भी अपनी दूर बनाई है। और वैसे हमें भी नहीं अच्छा लगता कि घर के ना बिल्कुल पास हो, क्योंकि शहरों में ना लोगों की जगह जो होती है ना वो तंग होती हैं, तो मजबूरन ही वो मतलब कि अटैच बनवाते हैं और उनके घर के साथ ही होती हैं। यार ये भी कोई बुरी बात नहीं है अटैच बनवाना या घर के पास हो, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी तो माशाल्लाह 10 मरले जगह है, काफ़ी सारी जगह है, तो इसलिए ना हमने थोड़ा सा दूर बनवाई है। हाँ जी व्यूअर्स, गांव में ऐसा ही होता है, अपने मतलब कमरे से वॉशरूम बाथरूम थोड़ा दूर होता है और नलका अलग होता है, मतलब गांव में ऐसा ही होता है, तो शहर का कुछ और मतलब रिवाज होता है, तो गांव का कुछ ना अलग हिसाब होता है। और बाकी इसमें कोई वो नहीं है कि साथ हो या पास हो या दूर हो, तो जो जहाँ भी है ना बस अच्छा ही है। और व्यूअर्स आज ना व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो जो हमारे चैनल पर न्यू आते हैं ना तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें। हर यूट्यूबर ना बड़ी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं अपलोड करते हैं, तो इसके पीछे ना बहुत ही मेहनत लगती है, तो लिहाजा आप ना वीडियो को स्किप ना किया करें। और आज व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आप बिगड़ जाते हो। ये देखें जी, अल्लाह हाफिज करने के लिए अली हमजा नाराज हो गया। चलें अब आप बोले अल्लाह हाफिज करें, अली हमजा भी करेगा। अली हमजा होशियार रहना, रोज भूल जाते हो, होशियार रहना जी। तो व्यूअर्स आज के व्लॉग में इतना ही, चला मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।